क्या, लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, आप एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, वो संस्थान हिंदुस्तान का जहां हर रोज तकरीबन 12,000 मरीज आते थे देश के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि बेहतर इलाज मिल सके और सस्ता इलाज मिल सके, क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, इससे निपटना होगा ताकि दिल्ली के एम्स में जो मरीजों की संख्या की भीड़ है ये थोड़ी कम हो सके। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने देखिए 22 नए एम्स खोलने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आंकड़ा जो कहता है कि बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं क्योंकि उनको महंगा इलाज कराना पड़ रहा है और एम्स जैसे संस्थान नहीं है उनके पास। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रोग्राम में आने के लिए। और अभी इकोनॉमिक सर्वे में एक हाईलाइट्स आई है जिसमें बहुत हद तक जो हमारे यहाँ मृत्यु हुई है, 2018 के आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि जो मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी गुणवत्ता के बिना जो हेल्थ केयर हुई है एज कंपेयर टू, उसकी तुलना में कि इनसफिशिएंट एक्सेस की लोगों को हेल्थ केयर की सुविधा को पहुंच नहीं थी, उसके मुकाबले पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर से मृत्यु हुई है कोई 16 लाख, इसमें आंका गया है 2018 का ये आंकड़ा है। और इसमें जो 1 मिलियन से कुछ कम जो मृत्यु हुई है वो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, उसकी वजह से हुई है। तो आप समझ सकते हैं जो आपने ये बात उठाई कि एम्स में 12,000-14,000 क्यों आते हैं, उसका बहुत बड़ा जो कारण था, हम आपको भी पता है, बहुत हमने आपके साथ और दूसरे टीवी चैनल्स पर भी इस बात की चर्चा की है कि जो हमारे राज्य हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो और चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो हेल्थ केयर के लिए, उसमें उतना पैसा नहीं लगाया और ध्यान नहीं दिया काफी लंबे समय तक, पिछले 25 सालों में। बिल्कुल। तो अभी उसका जो हमने देखा कोविड पैंडेमिक में, उसके नतीजे हमने देखे कि जो पब्लिक है, पब्लिक सिस्टम था वो इनएडिक्वेट हुआ, वो अपर्याप्त था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को रोपिंग किया गया और प्राइवेट सेक्टर ने कंधे से कंधा मिला के कोविड पैंडेमिक से उभारने में बहुत बड़ा काम किया। लेकिन कंधा बहुत आगे, प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है हेल्थ केयर सेक्टर पर हिंदुस्तान के, तकरीबन 74% हिस्सेदारी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की है, 74% आउट पेशेंट की है, 65% इन पेशेंट की हिस्सेदारी है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आप नजरअंदाज अब नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसके लिए सरकार खाली उनको अपने लिए सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकती, सरकार को टैक्स पेयर मनी से भी इसमें उनको योगदान देना होगा आगे आने वाले समय में, तभी हेल्थ केयर की सुविधाएं बढ़ेंगी, अच्छी होंगी, उसमें लोगों को पुअर क्वालिटी की बजाय अच्छी क्वालिटी का इलाज मिलेगा और एक्सेस भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल।